जिस पंप का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से ट्वेंटी इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, इस वजह से खर्चीले कम होते हैं और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठी का ये वाला सिरा जब भारी रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, सिचुएशन कितना भी निगेटिव हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा जब स्ट्रेट रहता है, इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आप स्ट्रेट लग रहा है, ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हार्टलाइन आपकी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जब हार्टलाइन होती है ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फायदा बहुत उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। हार्टलाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है और इसने माउंट्स के स्पेस को कम कर दिया है। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ गई है। सफलता में देरी, संघर्षपूर्ण जीवन को ये दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपनी मन की भावनाओं को या अपनी फीलिंग्स को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। जो मन में है वो मन में ही रखते हैं। माइंडलाइन और लाइफलाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। यदि आप बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर बंधन योग आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन यदि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, फिर बंधन योग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये आपको आर्थिक संकट देता है। उसके बाद माइंडलाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल से, मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने की चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कॉन्सेंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से ऐसे फील्ड का चुनाव करते हैं जहाँ पे सफल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। सफलता देरी से मिलती है, ध्यान भटकता है अनावश्यक तरीके से, और आपकी हॉटलाइन, माफ कीजिएगा, आपकी माइंडलाइन पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन टूटने के बाद भी आपकी माइंडलाइन पुनः मंगल से इनिशिएट हुई है, तो सेम रिजल्ट आएगा। थर्टी वन के करीब कोई ना कोई इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, और ये एक नई माइंडलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। वो भी 32 के बाद, इसका रिजल्ट आपको 32 के बाद मिलेगा। और जब आपकी डबल माइंडलाइन होती है तो तरक्की भी अधिक मिलती है। तरक्की बहुत है लेकिन समस्याएं उससे कहीं ज़्यादा हैं आपके जीवन में। इतनी बड़ी जब माइंडलाइन होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। ये माइंडलाइन आपको तानाशाही रवैया भी देता है, और ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहता है।
लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से आपकी लाइफलाइन पूरी की पूरी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांस हैं, लेकिन बुढ़ापा जो होगा आपका वो स्वदेश में भी देगा, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक आप विदेश में जाकर के रहने वाली हैं। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। लक लाइन आपकी एक तो इनिशिएट हुई है इनर पार्ट से। जब लक लाइन आपकी इनिशिएट होती है लाइफ लाइन के इनर पार्ट से यानी वेनस माउंट से, शादी के बाद खास करके लोगों का भाग्य उदय होता है। दूसरी लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है, फॉरेन से इनकम के कई सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि साइन भी बन रहे हैं आपके हाथ में। फॉरेन से इनकम के या फॉरेन से कनेक्शन बनाता है ये, बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं आपके वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। इस तरह से जब आपके मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप या फॉरेन आना जाना लगा रहता है और कोई ना कोई ऐसा काम ये करते हैं जहाँ वहाँ पर रहने का भी इन्हें मौका मिलता है। आपके सन माउंट पे कई स्क्वायर के साइन हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे, मल्टीपल, पैसा बहुत है आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम शानदार हैं। जितनी अच्छी हथेली है आपकी उतना अच्छा रिजल्ट आपको लाइफ देता हुआ नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ योर माइंड लाइन। और साथ ही साथ हार्ट लाइन इतना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ चला गया है, इसने माउंट्स के गुणों को ही कम कर दिया है, लेकिन हार्ट बहुत शानदार है। सन माउंट माउंट्स के स्पेस बहुत कम हो गए हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जुपिटर का माउंट फिर भी शिफ्ट हो गया है पूरा का पूरा उठ करके ये राहु की तरफ। ये आपकी सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, फैमिली लाइफ सभी को डिस्टर्ब करता है। आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों का सिर्फ ख्याल रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट उनको कभी बताते नहीं, इस बात का एहसास नहीं कर होने देते हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग को शब्दों में ढाल करके बताना पसंद नहीं है। आपको लगता है कि हाँ वो समझ लेंगे, बट रियलिटी ये होती है कि वो कुछ नहीं समझते हैं। इसीलिए जब शादी हो जाएगी आपकी तो जो भी कीजिएगा आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो उनको बताइएगा कि मैंने आपके लिए ये सब किया है, बताना आवश्यक होता है। और जब आपके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो, ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं बहुत ज़्यादा, इनके मैक्सिमम इनके द्वारा लिए गए जो डिसीज़न होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी ऊपर की तरफ चली गई है और माइंड लाइन नीचे आ गई है। ये आपको कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट पे आपको एहसास होगा कि आपने जो डिसीज़न लिया इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, अन्यथा प्रॉब्लम होने की कोई चांस ही नहीं बन रहे थे। आपकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, आप जैसे लोगों की समस्या क्या होती है, ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, सड़क अच्छा है, लेकिन अच्छे सड़क या अच्छे रास्ते से नहीं जाना है, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से जाना है, पहुँचना वही है लेकिन सही रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अजीब तरह की सोच होती है, किसी से सलाह नहीं लेते हैं आप लोग, पसंद ही नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आफ्टर 20 शायद आपकी एज क्या है, 25-26 के बाद इसका साइड इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि माइंड लाइन पे ये जो बंधन योग है वो 25-26 तक है, उसके बाद ही इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके लिए वे सभी डिसीजन सही हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम जो भी डिसीजन आप लेंगे बिना किसी से सलाह मशवरा के वो गलत ही होगा। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप, बट माउंट्स की स्पेस कम होने की वजह से जिस लेवल का ये हाथ है उस वैसा रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। सेटल का अमाउंट ठीक है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, हल्का सा यहाँ पे दबा हुआ है, तो जीवन में कभी ना कभी लोन या कर्ज की समस्या रहती है। पैसा आप उधार पे लेते हैं, चाहे गवर्नमेंट से लें या प्राइवेट सेक्टर से उठाएं पैसा, या फिर किसी इंसान से। सन माउंट ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है कि स्पेस नहीं मिल रहा है माउंट्स को, प्रॉब्लम तो है। मर्करी माउंट को भी स्पेस नहीं मिल रहा है, बट एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं,
तो आपके द्वारा लिए गए कुछ डिसीजंस गलत होंगे, जहाँ पे आपको नुकसान जा सकता है या आप अपने लेवल से नीचे आ सकते हैं, वहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये आपके लिए एक प्रोटेक्टेड की तरह आपकी मदद करेगा, ये रक्षा कवच की तरह काम करता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। आपके लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, ये बहुत गजब का होता है। जिनकी भी माइंड लाइन शार्प होती है, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ये मैंने मैक्सिमम सभी के बारे में देखा है। और जिनकी माइंड लाइन नॉर्मल सी होती रहती है, उनके लाइफ पार्टनर बिल्कुल भी डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। मतभेद तो रहेगा, क्योंकि वाइफ वर्क होता हुआ आपका मैरिज लाइन दिखाई दे रहा है। आपकी पाम में काफ़ी साइन है, पॉजिटिव साइन है। यदि आप बोलेंगी तो फिर मैं इसका शॉर्ट्स बना करके अपलोड करूँगी। आप बता दीजिएगा क्या करना है। यदि शॉर्ट्स बनवाने हैं तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इनर मास ठीक है आपका? आउटर मास आपका? आउटर मास आपका ठीक है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, किसी से डरते नहीं हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, सभी को बेहतरीन ढंग से आप सभी का वेलकम करना जानते हैं। विनस माउंट काफ़ी शानदार है, लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट आपका ढलान लेता हुआ एक तो आधा पर दिख रहा है विनस माउंट की तरफ। इनके द्वारा आप अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठा सकती हैं। और ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ देख रहा होता है, या कोई भी पार्ट, हाफ पार्ट ही देखे, ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष करना होता है, सफलता देरी से मिलती है। चलिए अब इस वॉइस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी सिक्स एंड हाफ या 27 में बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है आपके जीवन में। आपका जो सवाल है कि सफलता कब मिलेगी, तो 26 एंड हाफ के बाद ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि उससे पहले बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। 32 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 34 एंड हाफ में ऑफ शूट है, 35 में ऑफ शूट है, दोनों टाइम खुशी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है। 37 40 में समस्या है, 44 में समस्या है, 47 में समस्या है, 49 में समस्या है, 54 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई इस एज में दिखाई दे रही है। 58 में उससे भी बड़ी खुशी, बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। 26 एंड हाफ उस एज में आपको आपके मन के हिसाब से जिस तरह की जॉब की उम्मीद आप रखती हैं वो मिलेगी। लेकिन एक सलाह है आपको, आप अपने बड़ों से कोई भी फैसला लेने से पहले, बड़ों से जो आपके माता पिता हैं उनसे सलाह मशविरा अवश्य कीजिएगा। जी बिल्कुल, फॉरेन सेटलमेंट के पूरे साइन हैं आपके हाथ में और इनकम की कई सोर्स हैं। ये हाथ देख करके मैं कह सकती हूँ ऐसे आपके हाथ में सभी साइन हैं करोड़पति बनने के। लेकिन आपकी माइंड लाइन की वजह से हो सकता है आपको नुकसान हो थोड़ा बहुत, बट एक वक्त ऐसा आएगा जब करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी होगी। एंड आपको राहु के रेमेडीज करने हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त तक इस लाइन्स की वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है या दिक्कत आ रही है। 25 में तो नहीं, लेकिन 29 में आपके लव मैरिज होने के पूरे चांस हैं। शादी आपकी ठीक ठाक फैमिली में होगी, बहुत रिच फैमिली में नहीं होगी। आप अपनी पसंद से शादी करने वाली हैं। आपके मून माउंट पे काफ़ी साइन हैं जो बताते हैं कि आपके फॉरेन से इनकम के कई सोर्स होंगे, एक नहीं बल्कि कई। एंड आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।